सो गाइज, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हम लोग घर पे मेहंदी का पेस्ट बना के उसे कोन में कैसे भर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है मेहंदी का पाउडर, मेहंदी का तेल और एक नींबू मैंने निचोड़ा है, और ये चाय पत्ती वाला पानी मैंने बनाया है। तो आइए देखते हैं कि मैंने चाय पत्ती वाला पानी कैसे बनाया है। तो यहाँ पर मैं एक गिलास पानी लूँगी और उसे गर्म करने के लिए रख दूँगी। जब उसमें उबाल आ जाएगा फिर मैं उसमें चाय पत्ती दूंगी, लगभग 1 टेबल स्पून के आसपास। अब उबाल आ चुका है और मैंने इसमें चाय पत्ती डाल दिया है, तो मैं लगभग 2 टेबल स्पून इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। मैंने शुगर इसी पानी में ऐड कर दिया। तो आप देख सकते हो कि हमारा चाय पत्ती का पानी एकदम रेडी हो चुका है। तो गाइज, मैं एक और चीज़ आपसे बोलना चाहूँगी कि अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करो वीडियो, मेरा मोटिवेशन बढ़ाओ। तो ऐसे ही हमारा चाय पत्ती का पानी खोल रहा है, तो वीडियो देखते देखते लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब हम आते हैं मेहंदी को घोलने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लगभग 5 चम्मच नींबू का रस ऐड करूँगी, क्योंकि मेरा चम्मच छोटा है। तो अब लगभग 1 नींबू डाल दो इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर मेहंदी की क्वांटिटी की बात की जाए तो मैंने लगभग 4 से 4.5 टेबल स्पून मेहंदी लिया है, जिससे ये इतना है। तो मैं नींबू का रस इसमें मिक्स कर लूँगी और फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मेहंदी का ऑयल। मेहंदी का ऑयल हम इसमें सारा ऐड कर देंगे, जितना भी हमारे शीशी में है वो सारा। तो इस सब को मिक्स करने के बाद इसको हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग घर पे मेहंदी का पेस्ट बना रहे हैं, तो कभी कभी इशू हो जाता है कि हमारे कोन से वो निकलता नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ कुछ मोटापन रह जाता है। तो प्लीज़ आप सूती के कपड़े में इसे चाल लो अच्छे से, उसके बाद आप इसे मिक्स करना। तो हम धीरे धीरे करके चाय पत्ती का पानी इसमें ऐड कर रहे हैं, ताकि हमारा जो पेस्ट है उसकी थिकनेस बरकरार रहे, वो ज़्यादा गीली ना हो। इसीलिए हम लोग धीरे धीरे चाय पत्ती का पानी इसमें ऐड करेंगे। फिर हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। आप देख सकते हो मैं कैसे इसे मिक्स कर रही हूँ। तो मैंने कैमरा का पोजीशन चेंज कर दिया है, क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम होती है रिकॉर्डिंग में, बट हो जाएगी हैबिट, तो कभी ना कभी मुझे इसमें एक्सपर्ट बनना ही है। तो आप देख लो, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हो, देखो कैसा है। तो आपका अगर ऐसा इस लेवल में आ जाता है थिकनेस मेहंदी का, तो आप और पानी ना डालें इसमें, ठीक है। हमारा पेस्ट जो है वो रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो। तो अभी हम इसे इक्वल करके, तो मेरे पास पतली वाली पन्नी नहीं थी, तो मैंने ऐसा एक प्लास्टिक लिया और इसे ढक दिया। हमारा मोटिव यही होता है कि प्लास्टिक रखने का, कि हमारा मेहंदी सूखे ना, और इसे 24 घंटे के लिए छोड़ना होता है, ताकि इसका जो कलर है वो अच्छे से आए हमारे हाथों पे। तो मैंने यही प्लास्टिक यूज़ कर लिया है। यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस, आप पन्नी भी यूज़ कर सकते हो घर में, जिसमें सब्जी वगैरह आता है आप वो यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जो फॉल वाला प्लास्टिक होता है, जिसमें हम लोग फॉल लाते साड़ी में लगाने के लिए, तो वही वाला पन्नी मैं ली हूँ। और ये लगभग 6 इंच ऐसे है, इसकी लंबाई है 6 इंच और चौड़ाई है 3 इंच। तो यहाँ पे आप देख लो, तो हम प्लास्टिक को बीच में पकड़ेंगे और उसे एकदम धीरे 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 से घुमाते जाएंगे। आप देखो पहले ढंग से, जो हमारा प्लास्टिक होगा उसका लगभग मिडिल पार्ट हमें पकड़ना है और वहाँ से हमें रोल करना शुरू करना है। याद रखिएगा, जो रोलिंग पॉइंट जो होगा उसे आप पकड़ के रखिएगा, उसे ही प्रेस करिएगा, तो हमारा कोन जो है पतला और नुकीला बनेगा।
आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे जो मैंने कोन बनाया है उसमें साइड में कुछ प्लास्टिक रह गया है, जिसमें हम टेप, इसको टेप से चिपकाएंगे ताकि जो हमारा लास्ट वाला पार्ट है वो हमारे कोन में भी चिपक जाए। हमारा कोन एकदम परफेक्ट बन गया है। अब देखो हम फिर वैसे वैसे घुमा देंगे और हमारा जो टेप है वो हमारे कोन को अच्छे से कर देगा, और जो बाकी का जगह है उस पर भी हम थोड़ा थोड़ा टेप मार देंगे। तो हमारा कोन जो है, हम जो टेप लगा रहे हैं इसमें, तो हमें साइड में थोड़ा टेप लगाना है। ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, आप देखो। तो अभी जो है हमारा मेहंदी भी रेडी है, मैंने प्लास्टिक का हटा दिया है और आप देख सकते हो इसमें मॉइस्चर आ गया था काफ़ी अच्छा सा। और अब आप देखो हमारी मेहंदी की थिकनेस कैसी है। तो इसके लिए मैंने एक बड़ा कोन भी बनाया था, तो उसमें हम पहले मेहंदी को अच्छे से भर लेंगे, क्योंकि यार मेहंदी को कोन में डालने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मुझे हुई। तो आप देख सकते हो मेरे हाथ में भी मेहंदी लग गई थी, तो आप उसी मेहंदी से देखना कि मेरा कलर कितना अच्छा आया था हाथ का। तो मैं इसी तरीके से चम्मच स्पून की हेल्प से उसे भर रही हूँ। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मेहंदी थी मैंने उसे पोंछ दिया है और अभी मैं हाथ धो के आई हूँ। आप देख सकते हो मेरे हाथों पे कलर अभी रिसेंट। तो हमें दोनों साइड से कोन को थोड़ा थोड़ा मोड़ के फिर बीच में जाके उसे कर देना है, बीच वाले को भी फोल्ड करना है। और वैसे ही फोल्ड करते करते हम इसे ऐसे फोल्ड करके उसमें सेलो टेप मार देंगे, ताकि जो हमारा बाजार वाला कोन होता है वैसा बन जाए। आप दो तीन सेलो टेप मार दो, वो नहीं खुलेगा। और ध्यान रखें कि कोन भीगा नहीं होना चाहिए, वरना सेलो टेप का गम आपके कोन को चिपकने नहीं देगा। आप देख सकते हो हमारा कोन जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। और मेरे हाथों का कलर देखो, ये जस्ट 1-2 मिनट का रिजल्ट है, जबकि मैं कुप्पी कर रही थी, कुप्पी से मेहंदी को जो एक्स्ट्रा मेहंदी था उसे बाहर कर रही थी, उस टाइम ये कलर आया है मेरे हाथ पे। तो आप सोच ही सकते हो कि आप जब लगाओगे तो आपके हाथ पे कैसा कलर आएगा। तो यहाँ पे मैंने कोन को मोटा काट के अब दूसरा जो हमारा पतला वाला कोन है उसमें हम बड़े वाले कोन से मेहंदी भर रहे हैं। ये काफ़ी इजी स्टेप है और इसे करने में मेहनत नहीं लगती है और मेहंदी फैलता नहीं है, हाथों में भी मेहंदी नहीं लगती है और ये बहुत ही आसानी से हो भी जाता है। तो हमने जैसे फर्स्ट वाले कोन में टेप मारा था वैसे ही मारेंगे। तो हम पहले एक साइड से फोल्ड करेंगे कोन को, फिर दूसरी साइड से फोल्ड करेंगे, और जो बीच वाला जो हमारा पार्ट है उसे हम धीरे धीरे करके फिर नीचे ला के उसे भी फोल्ड कर देंगे और वहाँ पे हम सेलो टेप चिपका देंगे। तो आप देख सकते हो कि मैं कैसे चिपका रही हूँ सेलो टेप, ठीक उसी तरीके से आप भी चिपकाना, कोन बहुत ही मस्त बनेगा। तो अब हम इसे थोड़ा सा कट करेंगे, क्योंकि ऐसे तो ये निकलेगा नहीं, थोड़ा थोड़ा निकल रहा है बट स्टिल हमें इसे कट करना पड़ेगा तभी ये निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा ये। तो हम इसे ज़रा सा कट करेंगे। यहाँ पे मैंने मेहंदी को कपड़े से नहीं चाला है, तो थोड़ा थोड़ा इसमें वो आ रहा था। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।